नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य हूं। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ब्रह्मास्त्र फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कलेक्शन एस्टिमेट्स बताना चाहता हूं मैं डे फाइव का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉलीवुड क्रेजीज को, तो तुरंत कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और साथ ही साथ बेल बटन आइकन दबाना ना भूलेगा। इससे क्या होगा कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अब बात करता हूं इस फिल्म के फिफ्थ डे का क्या रुझान रहा, किस तरह से फिल्म को ग्रोथ मिली या ड्रॉप मिला, ये सब मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलने वाला है। इसकी ऑक्यूपेंसी शुरुआत करता हूं, 14 से 15% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो की रही, और आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी 20 से 21%, 20 से 21% के बीच में। इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी 33 से 34% के बीच में, 33 से 34, और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी ऑफिशियल नहीं है, वो भी सिमिलर रेंज में होगी या उसे 1-2% ड्रॉप ही मिला होगा। टोटल एवरेज ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की जो है नजर आ रही है वो 25% के आसपास नजर आ रही है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। अब यहां पर इम्पोर्टेंट चीज की बात करने वाला हूं कि ये फिल्म किस तरह से किस ओर क्या इशारा करते नजर आ रही है। फिल्म का लगभग या लमसम कलेक्शन हमें पता चला है, तो 4 दिनों का ये पता चला था कि इस फिल्म ने 139 करोड़ तक का बाजी मारी है, 139 करोड़। अब 5वें दिन की फिल्म अभी के हिसाब से लगभग जो कमाते हुए नजर आ रही है वो 13 से 13.5 करोड़ के रेंज में कमा रही है, और 13 से 13.5 करोड़ रेंज यानी कि 13 से 13.50 करोड़ रेंज यानी कि इस फिल्म का टोटल हो जाएगा 5 दिन के बाद 152 करोड़ से 152.50 करोड़। यानी कि एक चीज तो साफ यहां पे आपको कह सकता हूं कि अक्रॉस इंडिया इस फिल्म ने जो कलेक्शंस किया है पहले 5 दिनों में वो 150 करोड़ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस फिल्म के साथ नेगेटिविटी बहुत थी, उसके बावजूद इस फिल्म ने कलेक्शंस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी क्या है जरूर बताएगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों